माइनक्राफ्ट जिसमें तुम क्या था रे वो हाँ जिसमें तुम अबे हॉर्न कौन मार रहा है, शर्म नहीं आती? छोटे बच्चे को देख के हॉर्न मारता भैंड का। माइनक्राफ्ट एक ऐसा गेम जिसमें तुम लिटरली कुछ भी कर सकते हो, लिटरली कुछ भी। वेल, अब हमने वर्ल्ड का नाम रख दिया है शूटिंग स्टार। ओके, सो जस्ट लेट्स बिगिन। ये कहाँ पे स्पॉन कर दिया भाई माइनक्राफ्ट वालों ने? अफ्रीका के जंगल में तो स्पॉन नहीं करा भाई? जगह देखनी पड़ेगी, वरना यहीं पे तो मैं कैसे अपना बसेरा कर लूँगा। हैं, सही बात है ना। माइनक्राफ्ट में मेरे को बेसिक सी चीज़ें आता हैं, लाइक क्राफ्टिंग टेबल बनाना एक्सेट्रा। चलो भाई, इस अफ्रीका के जंगल में से बाहर निकलते और एक अच्छा सा विलेज ढूंढ देते हैं भाई। भाई अफ्रीका के जंगल के बीच में अंटार्कटिका कैसे मिल गया? क्या है ये, पूरा माउंटेन माउंटेन, ऊपर स्नो भी है साथ में। कहाँ पे स्पॉन कर दिया है रे? बेयर ग्रिल्स की जगह पे तो स्पॉन नहीं कर दिया। पता चला यहीं अपना झोपड़ा बना के लेटा हुआ हो भाई। रात होने से पहले अपना ठिकाना ढूंढना पड़ेगा। क्या, व्हाट, क्या हो रहा है? मैं नीचे क्यों खींचा चला जा रहा हूँ? व्हाट एंड व्हाई? वे ऊपर से वाइट वाइट क्या आ रहा है भाई? निकालो मेरे को, मैं मर जाऊंगा। मेरा डैमेज क्यों ले रहा हूँ? स्नो में दब गया क्या मैं? मर गए रे हम तो, मर गए भाई, दब के मर। अरे बच गया, बच गया, बच गया। अबे स्नो में कौन दबता है? और मेरे पास तो सामान भी नहीं है बेयर ग्रिल्स वाला, वो उसको ये सब करना चाहिए क्या भाई? डरा दिया तुम तो, मेरा हार्ट अटैक आ जाता अभी भी। अगर भाई आगे ही ऐसा होता रहेगा फिर मैं कैसे बाहर निकलूंगा? अरे वापस से दब गया क्या भाई? एक तो इन्होंने अफ्रीका के जंगल में स्पॉन किया, 500 किलोमीटर चलने के बाद अंटार्कटिका आ गया। करूँ क्या मैं? बस ऐसे पेड़ के पत्ते काट के रहूँ क्या मैं? आगे तो बढ़ना चाहिए ना कुछ भी भाई। चलते चलते भाई, और कहाँ, अलास्का आ गया क्या मैं भाई? सब शाम भी हो गई, बढ़िया। चलते चलते भाई, जितने भी मुर्गी चिकन आए थे सबको रॉ ही खा लिया भाई, बिना पकाए, इसलिए हंगर डाउन नहीं हुआ भाई। देखो तो सही कितना ब्यूटीफुल लगता है, पर रात में तो भाई गैंग बैंग होने वाला है मेरा। चलो भाई, पूरी रात हो चुकी। वाह, गोल्डन में गोल्ड। अबे वाह रे, मेरा आधी हेल्थ खा गया। अबे कहाँ आ गया वापस में भाई? हिमालय पहुँचा दिया यार इन्होंने तो। अब जाऊँगा कहाँ मैं? इसमें तो विलेज भी नहीं मिलेगा मेरे को भाई। पानी में बच के चलते भाई। वाटर इज की टू सक्सेस फ्रॉम नाउ ऑन भाई। बात तो ये है, मैं हिमालय में आ गया, पर अब जाऊंगा कहाँ मैं? जाऊंगा कहाँ? ओ क्रीपर भी आ गया, रास्ता मोड़ लो चुपचाप। वैसे भी दो हार्ट बचे हैं मेरे भाई, केव है भाई, पर मैं करूँगा क्या? हैं, पानी भी नहीं है मेरे पास पीने के लिए। बस बस स्लोली स्लोली, एकदम आराम से आराम से आराम से। वाह, अबे दो हार्ट बचे और दो हंगर है मेरे पास, करूँगा क्या मैं अब इनका? बर्फ पे अगर फंस गया काम ख़त्म भाई अपना तो। भाई बहुत चलाओ मैं, वो तो तुम्हें वीडियो में 3 मिनट दिख रहा है भाई, मैं 3-4 घंटे हो गए चलते चलते, एक विलेज नहीं मिला मेरे को। दो हार्ट है, और कहाँ, कौन से जगह पे तो स्पॉन किया भाई मैं? एशिया खंड, यूरोप खंड, सबको पार करके मैं आया हूँ इधर एकदम भाई आसमान की ऊंचाइयों। अरे भाई मर गया रे, मर गए रे, खत्म भाई, काम खत्म भाई, काम खत्म। अब तो तेरी मौत जग में सब कहेंगे मर गया मादर। ला 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 ला। सारी जगह को पार करके वापस मैं रिस्पॉन ही हो गया। वाह, इससे बुरी चीज हो भी क्या? अरे वाह भाई, सारी जगह से गैंग बैंग हो रहा है रे मेरा। एक हार्ट बच गया है, क्या ही करूं भाई, ज़ॉम्बी ने पाद भी मार दिया तो भी मर जाऊंगा। गाइस, मैं हूँ सवाना के रेगिस्तान में, पता नहीं मैं कहाँ आ गया, रात भी ख़त्म होने को आई है भाई, क्या ही होगा रे मेरा, कहाँ जाऊंगा मैं? जे हुई ना कुछ बात भाई, कुछ तो मिला, चलो समथिंग इज बेटर देन नथिंग। चेस्ट खोलो, वाह क्या दिख रहा है? हाँ, एक एक्स के अलावा सब कुछ कबाड़ा मिला मेरे को, जूते का कि मैं क्या करूंगा रे। हाँ, जस्ट टेल मी भाई, कसम से बहुत दूर आ गया भाई,
आते आते विलेजर या पिलेजर आई डोंट नो आउटपोस्ट मिल गया, इसका मैं क्या ही करूँ, आयरन कॉलम बंधे हुए हैं उनके अंदर। भाई फाइनली 5000 साल बाद मिल गया रे, और काफ़ी बढ़िया लोकेशन, चारों तरफ फूल ही फूल, मजा आ गया भाई। भाई ब्यूटीफुल लोकेशन भाई, क्या अच्छी लोकेशन मिली, घोड़े भी है, हॉर्सेस है, बढ़िया भाई, लावा भी है, फर्नेस भी है, ओपन करो डोर वापस से, चेस्ट। भाई लेट्स गो डायमंड, भाई मौज कर दी कतई तुमने तो, भाई डायमंड मिल गया, मजा ही आ गई, बिना माइन किए बिना कुछ करे एक विलेज में क्या, और डायमंड मिल गया, इसीलिए भाई विलेज ढूंढना सबसे बेस्ट होता है, समझा करो। ब्रो यू किडिंग मी, इसके पास्ट में एक ब्रोकन नेदर है भाई, तो बढ़िया, पास में ही केव भी है भाई, बेस्ट लोकेशन मिल गई, देखो रे इसके अंदर क्या है भाई, खोलो भाई, चट्टी बनियान मिल गया। भाई बेस्ट लोकेशन मिल गया, अरे मौज कर दी तुमने तो, भाई साहब चेस्ट भी उठा के ऑब्सिडियन सब कुछ ले जाऊंगा मैं यहाँ से, बेस्ट लोकेशन यार, कहाँ पे मिलता है ऐसा बेस्ट लोकेशन। भाई आज तक का एपिसोड यहीं तक रखते हैं, अगले वाले एपिसोड में हम यहाँ पे अपना घर बनाएंगे एक्सेट्रा, बहुत सारी चीज़ें करेंगे, और तब तक के लिए बाबा सी यू, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, अगर कुछ गलती की हो मैंने तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, आई एम बिगिनर एज ए माइनक्राफ्ट प्लेयर या एज ए वीडियो एडिटिंग, कुछ भी कहो। इधर तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।